अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। नमस्कार, आप एंजॉय कर रहे हैं अली ट्रिविया रेट्रो स्टोरीज का नया शो, और मैं हूँ स्वप्नलाल के साथ। और आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ ही मैन मशहूर महान अभिनेता धर्मेंद्र की बात करेंगे, और आज की किस्सा कोई इनके एक्टर बनने के बारे में। एक्चुअली ना ये करिश्मा था एक एप्लीकेशन का। खैर, यूजुअली जैसा कि सबके साथ होता है वैसे ही इनके भी साथ हुआ। अरे मतलब बचपन में स्कूल नहीं जाना चाहते थे, और इनके फादर चाहते थे कि ये खूब पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर कोई अफसर वगैरह बन जाए। और बस इसी कश्मकश में ये अक्सर अपनी माँ से शिकायत करते थे कि मुझे पढ़ने मत भेजा करो, भले ही कोई और काम करवा लो मुझसे, कुछ भी, बस मुझे पढ़ने मत भेजो। और इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो भी बड़ा प्यारा और मजेदार सा है, मासूम सा बिल्कुल। दरअसल हुआ यूं था कि धर्मेंद्र जी के फादर खुद हेडमास्टर थे और बड़े ही स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई लिखाई को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर। और ये अपनी माँ से शिकायत ये करते थे कि आप मुझे बाबूजी के स्कूल में भेजते हो पढ़ने के लिए, पर बाबूजी वहाँ और बच्चों को तो कम डांटते हैं, किसी भी गलती पर मेरी पिटाई सबसे ज्यादा होती है सबके सामने, कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मुझे स्कूल मत भेजो। और जब थोड़े से बड़े हुए तो अपनी माँ से एक दिन कहने लगे कि मुझे एक्टर बना दो, बस कुछ भी करके मुझे हीरो बना दो। तो माँ बड़ी नाराज हुई कि तेरे बाबूजी को पता चला ना तो तेरी बड़ी पिटाई हो जानी है। और इस सब के बाद एक एप्लीकेशन दी उन्होंने जो मंजूर हुई, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिला ही मैन धर्मेंद्र। खैर ये भी बड़ा ही मजेदार किस्सा है, जो फिर कभी। फिलहाल ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए सुनते रहिए हमें, हम हैं एली ट्रिविया।